हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग फॉर यू। आज के इस लेक्चर में हम कार्बन रजिस्टर के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके ऊपर भी वही क्वेश्चन आ जाता है, तो कलर कोडिंग से आपने कैसे रजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, इस लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। जो भी जितने भी आपने इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सर्किट देखे होंगे, उस पर जो रजिस्टर आपने देखा होगा, चार कलर उसके ऊपर गिवन होते हैं, क्लियर। एक इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है भाई, अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊँ तो ऐसे एक सिलेंड्रिकल फॉर्म सी होती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करूं तो उसके ऊपर भाई क्या होता है, आपके पास चार कलर गिवन होते हैं। कोई भी रजिस्टर हो उसके ऊपर क्या भाई, चार कलर गिवन होते हैं। कौन कौन से कलर हो सकते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आपने कैसे लिखनी है तो वो आपको बताएंगे भाई। अगर आपको याद हो तो इस टाइप से भाई चार कलर आपके गिवन होते हैं किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर, क्या उनका मीनिंग होगा वो भी आपको बताएंगे, क्लियर। मान लीजिए दो कलर और यहाँ पे लिखा देते हैं भाई, एक कलर मान लीजिए यहाँ पे है, एक कलर मान लीजिए और है, ऐसे करके भाई चार कलर है। मान लीजिए पहला कलर है 1, 2, 3 एंड फोर्थ वन इज़ 4, क्लियर। कोई भी एक रजिस्टर हो उसके ऊपर चार लेयर बनी होती हैं, क्लियर। इस टाइप के जो रजिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं कार्बन रजिस्टर। ये क्या होता है, कार्बन पाउडर्ड कार्बन को किसी अनदर मटेरियल के साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, फिर उसको बेक कर दिया जाता है, मीन्स उसको पकाया जाता है किसी ट्यूब के अंदर, तो वहाँ से आपके पास एक रजिस्टर तैयार हो जाता है, क्लियर है जी पॉइंट। तो जो भी आप रजिस्टर देखते हो भाई इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो कौन सा होता है, आपका कार्बन रजिस्टर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, क्लियर। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना भाई, जो भी कलर कोडिंग आपको गिवन होगी, इसका जो पहला अक्षर होगा और दूसरा अक्षर होगा, ये बताएंगे रजिस्टर की वैल्यू, रजिस्टेंस की वैल्यू इन डिजिट, इन डिजिट। मतलब पहले जो पहला कलर होगा उसकी मैं रजिस्टेंस बताऊंगा कैसे लिखनी है वो वाला, फिर दूसरे कलर के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू, देन जो थर्ड मेरे पास कलर होगा ये बताएगा नंबर ऑफ जीरोज कितनी ऐड करनी है, इसके अकॉर्डिंग दो डिजिट आगे, मान लीजिए एक आ गया, टू एक आ गया, वन। इस कलर के अकॉर्डिंग देखेंगे, मान लीजिए इसकी पोजीशन फिफ्थ पे होगी तो इसके साथ मैं पांच जीरोज मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्लियर। ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ जीरोज, क्लियर। बताएंगे एग्जाम्पल सेलेक्ट करते हुए, और फोर्थ वन आपका बताएगा भाई आपके इसके अंदर टॉलरेंस कितनी है। टॉलरेंस का क्या मीनिंग बताया था इन मेजरमेंट, आपकी मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितनी है, और क्या बोलते हैं इसको, टॉलरेंस, और क्या बोला था इसका नाम भाई, जल्दी से बताइए, लिमिटिंग एरर, क्लियर। तो पहले दो कलर डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे, तीसरा कलर बताएगा नंबर ऑफ जीरोज कितनी मल्टीप्लाई करूं, और फोर्थ नंबर हमें ये बताएगा कलर जो होगा कि इसके अंदर टॉलरेंस कितनी होगी, क्लियर है ये पॉइंट। अब कलर को याद रखने के लिए भाई एक छोटा सा रूल मैं आपको बता रहा हूं, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो भाई ये रूल आपको याद होना चाहिए, याद रखने का एक मेथड है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कलर होगा इसकी जो पोजीशन होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्लियर है जी पॉइंट। जो बी है रिप्रेजेंट करेगा भाई ब्लैक कलर को, किसको भाई, ब्लैक, और ये बी मेरा करेगा भाई ब्राउन कलर। बस इनकी पोजीशन वही फिक्स होगी, याद रखनी है, क्लियर। आर रिप्रेजेंट करेगा आपको पता है भाई रेड कलर, ओ किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट रिप्रेजेंट द ऑरेंज कलर, ठीक है, ऑरेंज कलर। और आपका वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, येलो कलर को, क्लियर। और ये जी है दैट रिप्रेजेंट द ग्रीन कलर, क्लियर। ये किसको करेगा भाई, ब्रिटेन करेगा ब्लू कलर को, बी आपका हो गया वायलेट कलर, वायलेट कलर। सिमिलरली जी के ऊपर क्या आ जाएगा राजे, जल्दी से बताइए, दैट इज ग्रे कलर, ग्रे, और वाइफ पे आ जाएगा मेरा वाइट कलर। इसका मतलब ये हुआ राजे, अगर पहले दो डिजिट के अंदर, मान लीजिए पहले दो डिजिट आपके हो गए ब्लू, पहला डिजिट आपका ब्लू गिवन है और दूसरा डिजिट मान लीजिए ब्राउन गिवन है, क्लियर। इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू पे क्या लिखेंगे, पहले दो कलर जो डिफाइंड होंगे वो डिजिट को डिनोट करेंगे, उस डिजिट की वैल्यू क्या होगी, पहला क्या है ब्लू, ब्लू का कितना आ जाएगा भाई 6, हाँ जी ब्राउन का कितना है 1, 6, 1 हो गया। मान लीजिए अगला जो तीसरा कलर आपको गिवन है वो मान लीजिए आपको रेड गिवन है, क्लियर। रेड है, रेड किसनी पोजीशन पे आ रहा है भाई, दो पे आ रहा है, इसका मतलब इसके साथ हम ऐड कर देंगे दो जीरोस, क्लियर है जी, 6100।
तो ये हुआ जी, पहले दो कलर क्या रिप्रेजेंट करेंगे डिजर्ट, तीसरा जो मेरा नंबर होगा जो कलर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कितनी जीरो उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करनी है, क्लियर। और मान लीजिए फोर्थ कलर है उसमें क्या, देखिए अगर आपके पास गोल्ड कलर गिवन है उसके अंदर टॉलरेंस होती है भाई ±5%, ये स्टैंडर्ड है बस याद रखना, क्लियर। और जो सिल्वर कलर होता है आपका इसमें जो टॉलरेंस होती है दैट इज 10%। इसके अलावा अगर कोई भी कलर आ रहा है, मान लीजिए नो कलर इसके बिना कोई भी कलर होगा उसमें जो टॉलरेंस होगी ±20%। समझ पा रहे हैं भाई इतनी बात। अब मान लीजिए मेरे पास पहला कलर था ब्लू, दूसरा कलर था ब्राउन, तीसरा कलर था रेड और चौथा कलर मान लीजिए गोल्ड है, तो गोल्ड है तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई ±5%। समझ पा रहे हैं भाई इतनी बात। तो इसके लिए इस टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा उसके लिए बस आपने दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो ये रूल याद रख लिए बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है इन कलर में, क्लियर। ब्लू आपका लास्ट में आएगा, पहले ब्लैक फिर ब्राउन फिर ब्लू मेरा लास्ट पे जाएगा, समझ रहे हैं पॉइंट। सिमिलरली ग्रीन और ग्रे में कन्फ्यूजन हो सकती है कि कई बार क्या होता है आप पहले ग्रे लिख दोगे यहाँ पे ग्रीन लिख दोगे वहाँ पे आपका मिस्टेक हो जाएगा, समझ पा रहे हैं भाई इतनी बात। तो इस मिस्टेक से बचना है, इस कलर को भाई आपने ध्यान में रखते हुए अच्छे वे में से याद रखना है। अगर ये चीज़ याद होगी और टॉलरेंस आपको पता है फिर बस आपने ये देखना पहले जो दो कलर होंगे आपके गिवन होंगे, क्लियर, उसके साथ हम दो डिजिट लगाएंगे, तीसरा कलर ये बताएगा कि उसके अंदर कितनी जीरोज ऐड करनी है और चौथा जो कलर होगा जो बताएगा इसके अंदर टॉलरेंस कितनी होगी। समझ पा रहे हैं भाई पॉइंट। तो आगे फिर मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन से देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ऑन दिस टॉपिक, क्लियर। तो लिखिए क्वेश्चन। ओके, तो मैंने दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट विल देयर रेजिस्टेंस वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कलर कोड ब्राउन ब्लैक एंड रेड। तीन ही कलर गिवन है, अगर चौथा कलर अगर नो गिवन हो तो इसका मतलब कितना आएगा 20%, क्लियर। अगला एक क्वेश्चन और है, इसका सेम क्वेश्चन था बस कलर आपको गिवन है येलो वायलेट ऑरेंज और सिल्वर, आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, क्लियर। तो सबसे पहले हम अपना जो रूल है वो लिखेंगे, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और फिर हम देखेंगे भाई बी से क्या आएगा, बताइए जल्दी से, ब्लैक दैट इज ब्राउन, हाँ जी रेड, देन क्या आएगा ऑरेंज आएगा, देन क्या आएगा येलो आएगा, हाँ जी नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ से, ग्रीन पहले आएगा या ग्रे पहले आएगा, पहले आएगा आपका भाई ग्रीन, देन ब्लू, हाँ जी वायलेट कलर, नेक्स्ट क्या आ रहा है भाई गुड मींस ग्रे और वाइट कलर, क्लियर है जी। जो भी कलर आपके गिवन है भाई उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं भाई, सबसे पहले पोजीशन देख लें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, क्लियर। पहला कलर क्या है भाई, पहला कलर है ब्राउन, ब्राउन सेलेक्ट हो गया, ब्राउन का आ गया 1, हाँ जी ब्लैक, ब्लैक का कितना है भाई 0, तीसरा कलर क्या कौन सा भाई रेड, रेड का मतलब है भी कितनी जीरो ऐड कर दो भाई, इसकी पोजीशन कितनी है 2, तो हम 2 यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्लियर है जी पॉइंट। कलर गिवन है, कोई भी कलर नहीं गिवन है इसका मतलब इसके अंदर टॉलरेंस कितनी आ जाएगी भाई 20% की आ जाएगी, क्लियर। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1000 को क्या लिख सकते हैं 1 किलो ओम लिख दें भाई ±20%, क्लियर है जी पॉइंट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई 1 किलो ओम ±20%, क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई, पहला कलर कौन सा भाई येलो, तो येलो को सेलेक्ट करिए भाई, येलो है 4 पे, इसका मतलब रेजिस्टेंस की अगर मैं वैल्यू देखूं तो पहला है 4, नेक्स्ट क्या वायलेट कलर है, वायलेट देखिए कहाँ पे आ रहा है, ये है वायलेट, पोजिशन कहाँ पे है 7 पे है, तो 4, 7 ऐसे लिखना है। तीसरा कलर कौन सा है भाई ऑरेंज, ऑरेंज कहाँ पे है देखिए, ये है ऑरेंज, ऊपर कितना भाई 3, इसका मतलब 3 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 जीरोज आ गई, और जो फोर्थ कलर है वो मुझे बताएगा कि टॉलरेंस कितनी है, सिल्वर कलर के अंदर टॉलरेंस कितनी होती है भाई 10%, क्लियर है जी पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10%, तो इसका मतलब इसको अगर मैं किलो में लिखूँ तो 47 किलो ओम ±10%, क्लियर है जी पॉइंट। ऐसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, आप आराम से बना सकते हो। तो छोटा सा कंसेप्ट था, मैंने समझा कि इसको थोड़ा सा बताना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर इन फ्यूचर अगर बन सकता है क्वेश्चन तो आप भाई आराम से कर सकते हो। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।